माघ महामहत्तम अध्याय 24। हरे कृष्णा राधे राधे। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 23 में वशिष्ठ जी राजा दिलीप को ऋषि कुज और पुत्र वत्स का प्रसंग बताते हैं, जिसमें किस तरह की स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए बताया गया है। अब आगे महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, ऋषि पुत्र वत्स भार्या की इच्छा के साथ अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अब उनकी भार्या की कथा भी सुनो। हे राजन, भोजपुर में उच्छत्थे नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम सुवर्ता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिम गामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती थी, हे देवी कावेरी, तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, जो माघ मास में तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तुम उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। हे पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रते पालन की शक्ति दो। ये कहकर सुवर्ता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता, उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। उसके पिता सोचने लगे, मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं? इसी बीच में कुछ मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उच्छत्थे की सुमुखी कन्या सुवर्ता का वरण करने का विचार किया। सुवर्ता बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी, उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उसे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुवर्ता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उस समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सभी कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हाफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आए, तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया, जो तिनकों से ढका होने के कारण प्रायः दृष्टि में आता ही नहीं था। सबने देखा वे कमल लोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुवर्ते, सुरसे आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रुंदन कर रही थी, उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान, धीर तथा जितेंद्रिय श्री मृग श्रृग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित ना कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। ये कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगशृंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चुपचाप वहीं खड़े रहे। पास आने पर उस गजराज का क्रोध चला गया, वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए, उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और मुनि ने हाथ में कुछ जल ले लिया और बोले, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया
और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उस हाथी ने बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस गजराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किया। ये सब मुनि कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमय पशु योनि से मुक्त कर दिया। हे दयानिधे, अब मैं आपको अपना सारा वृतांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है, नषाद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौ रक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे दुःश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पर स्त्रियों के संपर्क से भी बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता, गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संगलित रहता था। सदा धर्म और अर्थ का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पश्चात तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, खास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तोल में कम कभी नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वह कभी अधिक नहीं लेता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता था उनको छोड़कर अन्य रसों को ही बेचा करता था। बेचने में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे मुनि, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वह परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। माग महामहत्तम अध्याय 24 समाप्त। प्रेम से, मन से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति पाई जा सकती है। राधे राधे।